नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। जब से अपर्णा यादव सपा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं, तभी से इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है कि देवरानी और जेठानी में पटती नहीं है। मतलब अपर्णा यादव और डिंपल यादव में कुछ खास नहीं बनती है। देखते ही देखते ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि खबरों में भी इस मुद्दे ने जगह ले ली। खैर, राजनीति में इन बातों की कोई जगह नहीं होती। अब अपर्णा यादव ने खुद डिंपल यादव की एक खास कमी का खुलासा किया है, जिसे सुनने के बाद हर कोई चर्चा कर रहा है। चलिए आपको भी इससे वाकिफ कराते हैं। मुलायम सिंह यादव के परिवार से उनकी दो बहुएं डिंपल यादव और अपर्णा यादव राजनीति में एक्टिव हैं। उनके अंदर राजनीतिक अंदाज ठीक उसी तरह से देखने को मिलता है जिस तरह से एक मंझे हुए राजनेता के अंदर। अपर्णा यादव डिंपल यादव की देवरानी लगती है, लेकिन अपर्णा ने डिंपल की कमियों का खुलासा न्यूज चैनल में दिए गए इंटरव्यू में किया। सोचा उस खास किस्से से आपको भी रूबरू कराया जाए। अपर्णा से इंटरव्यू के दौरान कई अलग अलग सवाल पूछे गए। एक सवाल डिंपल यादव से जुड़ा हुआ था। जैसे ही डिंपल यादव का नाम आया, अपर्णा को डिंपल की एक खूबी और एक कमी खुद ब खुद याद आ गई। दरअसल अपने इंटरव्यू के दौरान अपर्णा बताती हैं कि अखिलेश यादव को खाने के बाद स्वीट डिश काफी पसंद है। अखिलेश भैया के लंच या डिनर में एक मीठा आइटम जरूर रहता है। वहीं अपर्णा ने डिंपल यादव के बारे में बात करते हुए कहा, परिवार में डिंपल काफी अच्छा खाना पकाती है। खास तौर पर डिंपल फ्रूट क्रीम बहुत स्वादिष्ट बनाती है। डिंपल यादव के हाथ की बनी फ्रूट क्रीम परिवार में सबको पसंद है। अखिलेश यादव की तो वो फेवरेट है। अपर्णा की बातों को माने तो डिंपल एक अच्छी राजनेता होने के साथ साथ एक अच्छी शेफ भी है। खैर, इन बातों को यहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं और अब डिंपल के उन कमियों के बारे में आपको बताते हैं जिसका खुलासा खुद अपर्णा ने किया। इंटरव्यू में जब अपर्णा से पूछा गया कि परिवार में सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत जवाब दे दिया और कहा, डिंपल भाभी को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। देखने में भले ही ना लगे, लेकिन परिवार में सबसे ज्यादा गुस्सा डिंपल को ही आता है। बहरहाल गुस्सा एक स्वभाव होता है, लेकिन जिस तरह से अपर्णा यादव ने डिंपल की अच्छाई और कमियां दोनों को सामने रखा, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।